सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल हैकिंग मास्टर ऑल इन वन को और दबाइए इस बेल की आइकॉन को ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं विकेश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल हैकिंग मास्टर ऑल इन वन। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप कैसे एंड स्क्रीन एनोटेशन लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एंड स्क्रीन एनोटेशन लगाने वाले हैं। एंड स्क्रीन एनोटेशन का मतलब होता है लास्ट में आपके वीडियो के लास्ट में दो वीडियो या फिर चार वीडियो रखा जाता है जिससे कोई भी टच करके प्ले कर सकता है आसानी से, यानी कि इससे व्यूज़ भी बढ़ सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए शुरू से लेकर आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पर चले जाना है। क्रोम ब्राउज़र पर चले जाने के बाद क्रोम ब्राउज़र को आपको डेस्कटॉप मोड कर लेना है। तो चलिए यहाँ से हम कर लेते हैं डेस्कटॉप साइट पर क्लिक। डेस्कटॉप मोड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये है डेस्कटॉप साइट। उस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने यूट्यूब पर लॉगिन हो जाना है। तो चलिए यहाँ से हम लॉगिन हो जाते हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर लॉगिन हो जाने के बाद आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर है मेरा प्रोफाइल, ऊपर आप देख सकते हैं, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक कर देते हैं, कुछ क्लिक कर देते हैं। चलिए यहाँ से क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है योर चैनल, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। योर चैनल लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमाइज चैनल लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। तो आपको ऊपर चले जाना है वीडियो मैनेजर में, आप देख सकते हैं ऊपर वीडियो मैनेजर है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। वीडियो मैनेजर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कोई सा भी एक वीडियो को चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे आपका वीडियो जो है मिल जाएंगे। तो यहाँ से चलिए कुछ नीचे चले जाते हैं, मैं यहाँ से कोई भी एक वीडियो को चूज़ कर लेता हूँ, जैसा कि ये वाला वीडियो को मैं चूज़ कर लेता हूँ। चलिए और यहाँ पर मैं एडिट पर क्लिक कर देता हूँ। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एंड स्क्रीन, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इसका ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड एलिमेंट लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ऐड एलिमेंट पर क्लिक करने के बाद चलिए पहले इसे मैं क्रॉस पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ऐड एलिमेंट लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए वीडियो और प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्रिएट पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ से क्लिक कर देते हैं। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मोस्ट रिसेंट अपलोड, बेस्ट फॉर व्यूअर, चूज ए वीडियो और प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर मोस्ट रिसेंट अपलोड का मतलब होता है कि अभी अभी जो आपने रिसेंटली अपलोड किया था वो वीडियो, या फिर बेस्ट फॉर व्यूअर जो लिखा हुआ है, यानी कि आपके लिए YouTube ही चूज़ करेगा कि कौन सा वीडियो सही है व्यूअर के लिए और फिर वो डाल देगा। या फिर आप चूज़ कर सकते हैं वीडियो यानी कि प्लेलिस्ट से। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है नीचे और फिर कोई सा भी एक वीडियो को चूज़ कर लेना है, जैसा कि इस वीडियो को मैं चूज़ कर लेता हूँ। और फिर यहाँ से क्रिएट एलिमेंट लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर वर्किंग लिखता है। वर्किंग लिखने के बाद यहाँ पर एक वीडियो आ जाता है, आप देख सकते हैं। तो इसे आप घसीटते हुए कहीं पर भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले लिया हूँ और फिर यहाँ से और एक एलिमेंट पर क्लिक कर देते हैं और फिर से यहाँ पर वीडियो और प्ले लिस्ट पर क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद मैं तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ बेस्ट फॉर व्यूअर लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक कर देते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ हमेशा और फिर क्रिएट एलिमेंट पर क्लिक कर देता हूँ ताकि YouTube ही चूज़ करे कि कौन सा बेस्ट है व्यूअर के लिए। और फिर यहाँ पर ये वीडियो आ जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रख देता हूँ और फिर यहाँ पर फिर से क्लिक करके एक सब्सक्राइबर वाला बटन ले आते हैं। तो यहाँ से लिखा हुआ है सब्सक्राइब प्रोमोट सब्सक्रिप्शन फॉर टू योर चैनल, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही एक सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन आ जाता है, तो आप देख सकते हैं मैं दिखा देता हूँ। तो ये है वो, आप देख सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ रख देता हूँ। अब इस सब्सक्राइबर वाला जो ऑप्शन है उस पर जो भी क्लिक करेगा वो सब्सक्राइब कर लेगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। और फिर यहाँ से आपको कर लेना है सेव, ऊपर आप देख सकते हैं सेव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऑल चेंजेस सेव लिखा, यानी कि वो ये सेव हो चुका है। अब जो भी वीडियो प्ले करेगा लास्ट में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा।
तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।